एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ा। इस माँ का यही वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या माँ कर सकती थी, और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटों को याद करती थी, मगर बेटा केवल साल में एक बार उससे मिलने आता था, फिर फोन पर बात कर लेता था। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटों को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है। बेटा जब अपनी माँ बीमार के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से यहाँ हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने के कारण लोग खा नहीं पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिया पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटों को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए तेरा सुविधा के लिए मैं तुझसे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी को आंखें खोलने के लिए सक्षम है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।